हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय वैदांशो शबिर आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन लीनियर और नई डिफरेंशियल ऑर्डर लास्ट के वीडियोस में हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एनी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका आर में कोई भी फंक्शन हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो चाहे एक्सपोरेंशियल हो या चाहे एल्जेब्रिक हो लेकिन अलोन इस क्वेश्चन में हम देखेंगे लीनियर और नई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर लेकिन इसके आर में e पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल है उसके साथ में cos 2x मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालते हैं उसका तरीका अलग होता है वो मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सल्यूशन में सल्यूशन आपको पता है पर्टिकुलर इंटीग्रल या शॉर्ट में पी आई इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी इन टू आर एच एस ठीक है वन डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा डी क्यूब या डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस थ्री इंटू राइट हैंड साइड हमारा क्या है ई पावर एक्स कॉस टू एक्स तो रूल है कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर में एक्सपोनशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में हो मिला के मल्टीप्लाई करके ठीक है तो हम क्या करेंगे ई पावर एक्स का जो फंक्शन है जो ई पावर एक्स है इसको हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करा देते हैं ठीक है प्लस जो डी है ये बन जाता है डी प्लस ए ए का वैल्यू क्या होता है ए का वैल्यू होता है ई पावर ए एक्स यहाँ पर ए का वैल्यू है एक्स के साथ में क्या मल्टीप्लाई है वन वन इंटू एक्स इज एक्स तो यहां पे ए का वैल्यू कितना है वन तो मैं क्या करूंगा डी माइनस वन पुटअप करूंगा डी की जगह पे यही दो रूल्स रहते हैं तो पहले हम ई पावर एक्स को यहां ट्रांसपोर्ट करेंगे माइनस फोर डी प्लस थ्री और यहां पे क्या बचेगा cos टू एक्स है ना और अब हमने इसको यहां पे ट्रांसपोर्ट किया लेकिन जहां पे भी डी है वहां पे मैं लिखूंगा डी प्लस वन क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू कितना है वन तो मैं लिखूंगा यहाँ पे d प्लस वन अब यहाँ पे d स्क्र है तो मैं लिखूंगा पहले d प्लस वन का होल स्क्वायर d की जगह पे d प्लस वन लिखना है माइनस फोर डी है तो d प्लस वन लिखूंगा मैं और यहाँ पे है प्लस थ्री ठीक है अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ई पावर एक्स वन डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का होल इज ए प्लस टू ए बी प्लस बी और बी हमारा वन है यहां पे कितना आ जाएगा माइनस फोर डी माइनस फोर प्लस थ्री और इंटू कॉस टू एक्स सिंपल ई x एक्स इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो ये देखो माइनस फोर प्लस वन कितना होता है माइनस थ्री माइनस थ्री और प्लस थ्री आपस में कट हो जाएंगे ठीक है तो ये वाली टर्म कैंसिल प्लस टू डी माइनस फोर डी माइनस टू डी आ जाएगा तो इट विल बिकम वन डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू डी और यहाँ पे आ जाएगा कॉस टू एक्स सिंपल मैं आप इसको यहाँ पे लिखूंगा ठीक है अब आपको पता है जब भी हमारे राइट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो हम क्या करते हैं आपको मैंने लास्ट के वीडियोज में पढ़ाया है डी स्क्वेयर की जगह पे हम माइनस बी पावर टू अप करते हैं ठीक है थीके? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पुट थोड़ा सा लाइन यहाँ पे खींच देता हूँ मैं तो आई एव राइट पुट डी स्क्र इज इक्वल टू माइनस बी का होल स्क् तो जब मैं ये यहाँ पे पुट करूंगा इट विल बिकम ई पावर एक्स तो ऑलरेडी है वन डिवाइडेड बाई देखो डी स्क्वेयर की जगह में क्या पुट करूंगा मैं फोर लेकिन माइनस फोर तो मैं लिखूंगा माइनस फोर और माइनस यहाँ पे है टू भी है और डी जो है देखो मैंने आपको बताया था जब भी हम डी स्क्र की जगह पे माइनस बी का होल स्क्वायर पुट करते हैं अगर हमारे पास डी क्यूब हो डी पावर फोर हो वहाँ पे हम डी स्क्यर का वैल्यू माइनस बी का होल स्क्वायर पुट अप कर सकते हैं लेकिन अगर डी हो सिंपल अगर डी स्क्वायर से कम हो मतलब डी हो तो वहां पे हम पुट नहीं कर सकते अगर हम करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है इट बिकम मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो हम इसको इग्नोर करते हैं हम क्या करते हैं डी को फिलहाल ऐसे ही लिखेंगे हम इसको हम नेक्स्ट स्टेप में किसी और तरीके से इलिमिनेट करेंगे तो मैंने इसको ऐसे ही रखा ठीक है और यहां से कितना है कॉस्ट टू एक्स सिंपल ओके इज इक्वल टू ई पावर एक्स तो देखो मैं यहां से इन दो टर्म से मैं माइनस टू कॉमन निकालूं तो क्या बन जाएगा डिवाइडेड यहां से तो बचेगा यहां से बचेगा प्लस टी जो मैंने माइनस टू कॉमन निकाला वो मैं लिखूंगा ले यहां पे. E x की में, लेकिन माइनस भी तो माइनस ठीक है और यहां पे क्या आ जाएगा कॉस टू एक्स देखो अब यहां पे d है d मुझे एलिमिनेट करना ही करना है d मेरी डिनोमिनेटर में है ठीक है अब मैं इसे एलिमिनेट करता लेकिन मैं डी को पुट नहीं कर सकता क्यों क्योंकि डी डी स्क्वायर से कम है अगर डी क्यूब होता डी पावर फोर होता डी पावर फाइव होता तो मैं आराम से पुट करता अब चूंकि यहाँ पे डी है सिंगल डी तो मैं डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी का होल स्क्वायर पुट अप नहीं कर सकता हाँ मैं इसे पुट कर सकता हूँ तब जब ये डी स्क्वायर में जब ये डी मेरा डी स्क्वायर बन जाएगा तो उसके लिए मैं क्या करूँगा मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूंगा जब मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूंगा इट विल बिकम माइनस वन डिवाइड बाई टू ई पॉर एक्स वन डिवाइडेड बाई टू प्लस डी मैं मल्टीप्लाई करूंगा टू माइनस डी और टू माइनस डी डिनोमिनेटर को भी और न्यूमिनेटर को भी अगर मैं चाहूं इससे मैं कैंसिल कर सकता हूं तो यहां पे बचेगा वन वन इंटू दिस विल बी सेम दिस तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पे आ जाएगा कॉस टू एक्स ये इंटू है यहाँ पे ठीक है अब देखो माइनस वन डिवाइडेड बाई टू ई पावर एक्स देखो ये बन जाएगा टू माइनस डी ऑब्वियसली और ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर है ए स्क्र माइनस बी स्क्र टू तो बी okay? तो पे इज डी 2x सिंपल एज दैट ठीक है इतना समझ में आया है ना आसन अब देखो <coughs> यहां पे क्या आ गया अब डिनोमिनेटर में डी स्क्र अब मैं आराम से डी स्क्र की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं माइनस बी का होल स्क्वायर ठीक है तो चले पुट करते हैं मैं लिखूंगा पुट डी स्क्र इज इक्वल टू माइनस बी का होल स्क् तो ये बन जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाई टू ई पावर एक्स ये बन जाएगा यहां पे कितना टू माइनस डी और नीचे क्या बन जाएगा फोर ये यहां पे माइनस है और डी स्क्र की जगह पे क्या पुट करना है माइनस क्या पुट करना है माइनस और बी स्क्र बी स्क्र क्या है हमारा बी हमारा टू है तो टू का स्क्वायर इज फोर ओके और यहां से क्या है कॉस टू एक्स एज सिंपल एज दैट तो यहां पे इसको सॉल्व करने के बाद इस स्टेप को मैं यहां पे लिखूंगा ठीक है तो इसको मैं यहां से एक लाइन खींच देता हूं तो यहां पे है माइनस वन डिवाइडेड बाई टू ई पावर एक्स ठीक है और देखो टू माइनस टी टू माइनस टी ओके डिवाइडेड बाई फोर माइनस माइनस फोर माइनस माइनस प्लस फोर प्लस फोर इज एट ठीक है और एट जब बाहर आएगा ये इस टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इट विल बिकम विकम एन तो ये आ जाएगा यहां इस इसको कंप्लीट करते हैं ये आ जाएगा टू डी और यहां से है cos 2x. है ना सिंपल यहां तक इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइडेड बाई जो टू है इसको मैं यहां से मल्टीप्लाई करता हूं कॉस टू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा इट विल बिकम टू कॉस टू एक्स माइनस डी को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं कॉस टू एक्स ठीक है इट विल बिकम वन डिवाइडेड बाय सी लेकिन माइनस ई पावर एक्स अब देखो यहां पे क्या होगा टू कॉस टू एक्स माइनस डी कॉस टू एक्स डी का मतलब क्या होता है डिफ्रेंशिएशन तो जब हम कॉस को डिफ्रेंशिएट करते विल बिकम माइनस साइन तो माइंस इस माइनस को अपने माइनस को प्लस बनाएगा और साइन भी आ जाएगा साइन एक्स एक्स की जगह पे क्या है टू एक्स अब टू एक्स का अलग से करना पड़ेगा वो आ जाएगा टू वो टू मैं यहां पे लिखूंगा बाहर क्लियर यहां तक देखो यहां पे भी, भी टू है यहां पे भी, भी टू है इसको कॉमन निकालेंगे ये बाहर आ जाएगा ये इस सिक्सटीन के साथ कट हो जाएगा टू वन हजार टू एट जार, तो फाइनली इट तो विल बिकम वन डिवाइडेड बाई एट ई पावर एक्स कॉस टू एक्स प्लस साइन टू एक्स Which इज़ द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस differential इक्वेशन तो काफ़ी आसान था कुछ भी नहीं किया बस एक रूल याद रखना है कि अगर हमारे आर एच एस में एक्सपोनशियल फंक्शन और trigonometric फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाइड हो तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे निकालते हैं हम ई e पावर एक्स को आर एच एस से एल एच एस की तरफ शिफ्ट करते हैं और डी की जगह पर डी प्लस ए लिखते हैं और ए का वैल्यू कितना होता है जो यहाँ पे x से पहले x का कॉफिशेंट हो ठीक है यहाँ पे x का कॉफिशन कितना है वन तो मैंने लिखा d की जगह पे d प्लस वन अगर टू होता मतलब e पावर टू एक्स तो मैं लिखता d प्लस टू एक्स ठीक है तो ये हुआ फिर यहाँ से थोड़ा बहुत सिम्प्लीफाई करना है और फिर यहाँ पे आ जाता है कॉस टू एक्स ट्रिमनोमेट्रिक फंक्शन और वो मैंने आपको पढ़ाया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेले अगर आर एच एस में हो तो हम डी स्क्र की जगह पे माइनस बी का होल स्क्यर पुटअप करते हैं जब मैंने ऐसा किया यहाँ से मुझे मिला है और मेरे डिनोमिनेटर में डी फिर से एक आ गया और मैं डी को डायरेक्टली पुट नहीं कर सकता क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा मेरी कोशिश ये रही कि मैं डी को डी स्क्वायर बनाऊँगा तो मैंने इसे रैशनलाइज किया डी स्क्यर आने के बाद इसका रिजल्ट यहाँ पे पुट किया मैंने और मेरा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया अगर आप चाहो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और उसके बाद अगर क्वेश्चन में दिया होगा फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई पी आई आपने ऑलरेडी फाइंड करा हुआ है और सी एफ आपको पता है मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कैसे फाइंड करते हैं पाँच दस मैंने क्वेश्चन उस पर सॉल्व किया अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वो प्ले लिस्ट देखो तो फिर वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई इनको आपस में जोड़ो और आपका कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा आई होप आपको समझ आया होगा समझ को प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करना थैंक यू